बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो FGEI की तरफ से रिसेंटली जो लेक्चरर्स की पोस्ट अनाउंस की गई हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन सबमिशन अपने फॉर्म की कैसे करनी है। तो ये इंटरफेस आप देख सकते हैं, ये लिंक देख सकते हैं आप, इंडक्शन है FGEI.cg.gov.pk। इसको आप जो है गूगल पर जैसे ही लिखेंगे, लिखने के बाद इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और अगर नहीं आता तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करनी है तो मैं आपको डिटेल में आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मेरा यहाँ पर जो है वो अकाउंट नहीं बना हुआ, तो मुझे अपना यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए लिखना है यहाँ पर नीचे साइन अप है, तो इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे। और साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास इंटरफेस आएगा। यहाँ मैं अपना फुल नेम और ये सब कुछ डिटेल्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ओके जी, ये मैंने सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर पुटअप करती हैं, ईमेल अपना लिख दिया और CNIC आपने जो है विदाउट डैशेज आपने तो डालने हैं, बट यहाँ पर ऑटोमेटिकली डैश जो है वो डल जाएगी। ठीक है, इस चीज़ पे आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद कंफर्म CNIC, दोबारा मैंने वही अपना जो है ID कार्ड नंबर लिख दिया। फिर पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से जो भी आपको सुटेबल लगे वो लिखेंगे। फिर कन्फर्म पासवर्ड, अगेन वही पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, एंड देन इसको रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो सो जैसे इसको इंटर करेंगे तो आपके पास आप ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ यूज़ योर CNIC एंड पासवर्ड टू लॉग इन बिलो। ओके जी, अब जो है हम इसको लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या, हमारा CNIC रिक्वायर्ड है, तो ये यहाँ पर मैं मैंशन कर देता हूँ। यहाँ पर अब मैंने अपना अगेन CNIC डाल दिया लॉग इन करने के लिए, और पासवर्ड वही डाला जो अभी मैंने साइन अप के लिए डाला था। तो अब हम इसको करेंगे लॉग इन, और लॉग इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास जो है जो वेबसाइट ओपन होके आएगी। यस, तो ये आपके पास इंटरफेस आ गया। अब इसको यहाँ पर देखें, पहले तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और मैं जो है इसको फिलअप करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म को। सो इस एप्लीकेशन फॉर्म में देखें आपके पास ये सबसे पहले पर्सनल इन्फो है। ठीक है, ज़ाती जो मालूमात होती हैं आपकी। फिर उसके बाद आपकी काबिलियत यानी क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद पोस्ट अप्लाई जिसके लिए आप कर रहे हैं, फिर चलान फॉर्म, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड देन अंडरटेकिंग। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, बट इसको हम करते हैं स्टार्ट। तो ये मेरा फुल नेम जो है अब मैंने लिख दिया है। इसके बाद अब यहाँ मैं फादर नेम अपना मेंशन करता हूँ। ओके जी, यहाँ मैंने अपना नेम जो है फुल लिख दिया। फिर उसके बाद फादर नेम, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपने जो है ना सबसे लास्ट में आपने अपना ईयर लिखना है, और फिर बीच में जो है आपने अपने डेज लिखने हैं, एंड देन स्टार्टिंग में जो है ना आपने मंथ लिखना है। फिर उसके बाद ये जेंडर है, जेंडर मेल फीमेल जो है आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। डोमिसाइल आपका जोन सा है, मेरा पंजाब के, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। फिर मैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी हैं अनमैरिड हैं वो लिख दें। ओके जी, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसको आपने अच्छे से फिलअप कर लेना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि आपका जो टेस्ट का जो भी स्केड्यूल होगा या आपके इंटरव्यू का जो स्केड्यूल होगा वो आपके नंबर पर आपको पता चलेगा। आपके नंबर पर आपको टेक्स्ट आएगा, मैसेज आएगा, उस पर नंबर के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपका टेस्ट है या आपका जो है इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने अपना नंबर जो है ना उसको मेक श्योर करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका CNIC नंबर है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो मैंने ये यहाँ पर मैंशन कर दिए, और याद रहे कि जिन पे स्टार्स लगे होते हैं इट मीन्स ये होता है कि वो मस्ट आपने फिलअप करने हैं। जिन पे स्टार नहीं लगे, अगर आप उसको फिलअप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, अगर कोई और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है यहाँ लिख दें, नहीं है तो ना लिखें, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद ये ID कार्ड नंबर यहाँ मेंशन कर दिया, ईमेल एड्रेस ये देख सकते हैं मेंशन कर दिए, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो थी रावलपिंडी मेंशन कर दिए, सिटी भी रावलपिंडी मैंने मेंशन कर दिया। फिर सेलेक्ट रीजन ये मैंने नहीं किया, ये मैं कर देता हूँ मुस्लिम्स। फिर पोस्टल एड्रेस में मैं आपने अपना कंप्लीट डिटेल्ड एड्रेस जो भी है वो लिखना है, और परमानेंट एड्रेस में भी आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। मैंने यहाँ पर जस्ट रावलपिंडी लिखा क्योंकि मैंने इसको जस्ट आपको समझाने के लिए जो है एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आप। ठीक है, तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके पास जो है वो सेकेंड जो इसका पेज है वो आ जाएगा। सेकंड पेज में आपका क्या है, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है वो आपने यहाँ पर पुट अप करनी है। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपके यहाँ पर सिर्फ आपने एक तो होती है ना मैट्रिक की, फिर उसके बाद इंटर गए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन है, वो आपने यहाँ पर पुट अप नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है उसके। यहाँ जस्ट आपने मास्टर्स किया हुआ है, MA है, MSc है या BS 4 ईयर्स है, वो आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। तो मेरा मास्टर्स है, मैं यहाँ पर मास्टर्स पुट अप करूँगा, और मैथ्स में मेरा मास्टर्स है तो ये मैंने इसको पुट कर दिया। ठीक है जी, अब इसकी स्पेशलाइजेशन लिखनी है, तो स्पेशलाइजेशन में मैंने मैथ्स में जो है ना अप्लाइड मैथमेटिक्स में मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद जो CGPA है ये आपने अपना मेंशन कर लेना है। ठीक है, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके जी, मैंने ये स्पेशलाइजेशन भी लिख दिया, उसके बाद जो CGPA है वो भी मेंशन कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने देख लें, अब मैंने कंप्लीट फिलअप कर दिया, मास्टर्स मेरा मैथ्स में है और स्पेशलाइजेशन मेरी अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ग्रेड जो CGPA आपका होगा।
3.25 मैंने लिख दिया, और यूनिवर्सिटी जो मेरी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर आपके पास फर्दर कोई हायर डिग्रीज भी हैं, एमएस और एमफिल है, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कीजिएगा, यहाँ पुटअप कीजिएगा, और अगर आपके पास पीएचडी भी है तो यहाँ पर पुटअप कीजिएगा। मेरी जस्ट मास्टर्स है मैथ्स में, तो मैंने ये पुटअप कर दिया। इसके पुटअप करने के बाद फिर आप नीचे आ जाएँ, तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, जिस तरह आपका आईटी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, बेसिक ऑटोमेशन का, या दीगर बहुत सारे इस तरह के डिप्लोमेज और सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर वो आपके हैं तो यहाँ पुटअप कर दें, अगर नहीं है तो इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही करेंगे तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो थर्ड पेज है वो ओपन हो जाएगा, पोस्ट अप्लाई। अब थर्ड पेज आपके पास ये पोस्ट अप्लाई का है, इसमें आप किस किस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं जो है मैथ्स मेल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेक्चरर पोस्ट BPS 17, और नीचे ये मेल्स कैटेगरी में लिखा हुआ है मैथ्स मेल, ठीक है। तो फिर आगे फर्दर आगे नीचे जाएंगे तो नीचे लिखा है टेस्ट सेंटर। अब आप जिस टेस्ट सेंटर को प्रेफरेंस दे दे सकते हैं आप उसको दें, यानी कि जो आपके घर के करीब करीब आपको पड़ता है तो आप वो लिख दीजिए। तो मेरे रावलपिंडी का हूँ तो मैं रावलपिंडी मेंशन करूँगा। फिर सिटी जो है वो प्रेफर्ड टू, अगर आप इसके अलावा कोई और सिटी भी प्रेफर करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं यही रावलपिंडी करूँगा। और इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्लेम है, अगर आप जो है वो एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, यानी कि इन लोगों के लिए जो है, अगर आप इनमें से कोई कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो ना कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर कोई आर्म फोर्सेज से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर टिक कर देंगे, और साथ में वो अपनी जितना भी बायोडाटा यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो इसके बाद नीचे चले जाएं, और अगर कोई बेवा है या उसका कोई कह लें कि उनका कोई यतीम बच्चा है किसी का, कोई सर्वेंट था गवर्नमेंट का उसका, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पुट अप करेंगे। तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है करंटली सर्विंग, इफ़ येस, तो आप यहाँ पर सारा कुछ मैंशन कर दें, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है तो इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब ये एक मैंने जब सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन कह रहा हूँ एरर आ रहा है, प्रेफर्ड सिटी 1 एंड 2 कांट बी सेव। वो कह रहे हैं कि आपने जो प्रेफर्ड सिटी किए हैं दोनों सेम नहीं लिखने, मैंने दोनों रावलपिंडी लिख दी हैं तो आपने दोनों नहीं करने मेंशन। तो ये है कि दूसरे में मैं कुछ और कर देता हूँ मेंशन दूसरा। सो यहाँ से मैंने रावलपिंडी सेलेक्ट किया था दूसरा सिटी, तो वो मैं चेंज करके पिशावर कर देता हूँ, नहीं तो एरर आ जाएगा, सेम आपने सिटी सेलेक्ट नहीं करना, तो पिशावर कर देता हूँ, ये थोड़ा करीब पड़ता है। तो ये हमारा सिटी भी जो है वो हो गया सेलेक्ट। फिर उसके बाद अब नीचे चले जाते हैं और फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन जो है आपको शो होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है जी। अब जो आपके पास फोर्थ पेज है जिसमें चलान फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो आपने यहाँ से अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। चलान फॉर्म आपका है जी 1150 रुपये का, तो यहाँ से मैं चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये नोट भी लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि प्लीज़ डाउनलोड दिस चलान फॉर्म एंड सबमिट फीस इन एनी ब्रांच ऑफ UBL, अपलोड स्कैंस कॉपी ऑफ, ओके। तो आपने जो है चलान फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये चलान फॉर्म UBL बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और चलान फॉर्म में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तीन कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक स्टूडेंट की कॉपी होती है, एक बैंक कॉपी होती है, और एक जो है वो FGEI की कॉपी होगी। तो जो बैंक कॉपी है वो तो रख लेंगे, और बाकी जो दो कॉपीज़ हैं वो आपको यानी कैंडिडेट को दे देंगे। तो उनमें से जो अपनी कॉपी स्टूडेंट की कॉपी है वो आपने अपने पास सेव रखनी है, और जो FGEI की कॉपी है वो आपने अपलोड कर देनी है। वो अपलोड कहाँ करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहले डाउनलोड चलान फॉर्म पे करते हैं, तो प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम, ओके जी। आप सबसे पहले यहाँ पर बैंक जो है वो सेलेक्ट कर लें, UBL बैंक है, ओके जी। ये करने के बाद आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद अब आपके पास जो है वो चलान फॉर्म अब डाउनलोड हो जाएगा। तो अब ये देखिए जी, चलान फॉर्म आ रहा है डाउनलोड होकर, ओके जी। चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसमें तीन कैटेगरीज हैं, इन तीनों में से एक वो बैंक वाले रख लगे, बाकी दो आपको देंगे, एक आपने जो है वो स्कैन कॉपी। और याद रहे एक बात ये भी याद रखनी है कि जहाँ आप UBL के किसी भी ब्रांच से आप अपना ये जो सबमिट करवाएंगे फीस सबमिट करवाने के बाद जो स्टैंप लगाते हैं, उस स्टैंप को देखिएगा कि वो विजिबल होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद जो ऑफिस कॉपी होगी यानी ये वाली FGEI की जो मिडिल कॉपी है, इसको आपने जो है वो सबमिट कर देना स्कैन करके। आपने दोबारा, मैं उस पर चला जाता हूँ एप्लीकेशन पे, और उसके बाद जो है चलान फॉर्म जब आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रिंट लेकर आपने जो है फीस सबमिट करवानी है। फीस सबमिट करवाने के बाद, अच्छा यहाँ पर आपका प्रोसीजर जो है वो रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि आप जब फीस सबमिट करवा के आएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा अपने फॉर्म को डायरेक्टली यहाँ से ओपन करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो जब आप जो अपना चलान फॉर्म सबमिट करवा के आएंगे तो फिर आपने डायरेक्टली जो है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो फिर आपके पास ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहां से आपने क्या करना है,
अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो रिसिप्ट है चलान फॉर्म की और एक पासपोर्ट साइज आपकी इमेज है, ठीक है। और देखें रिसिप्ट के नीचे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है बैंक स्टैम्प मस्ट बी क्लियरली विजिबल, तो बैंक स्टैम्प जो भी होगी वो आपने बस देख लेना है कि वो बिल्कुल विजिबल होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। और फिर उसके बाद चूज फाइल आप यहाँ से करेंगे, जो आपने चलान फॉर्म जो है उसकी स्कैन कॉपी यहाँ से चूज करके यहाँ पर पुटअप कर देंगे। मैंने अब क्योंकि करना नहीं है इसको तो इस वजह से मैं कर नहीं रहा। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज जो अभी आपकी इमेज होगी वो यहाँ पर आपने पुटअप करनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, और यहाँ पर देख लीजिए आपका जो जो आपकी जो पिक्चर होंगी वो मोर देन जो है वो 1 MB नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 MB होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज अपलोड नहीं होगी, इशू आएगा। तो ये भी हो गया। ये होने के बाद फिर आगे करेंगे आप सेव एंड नेक्स्ट। आप देखें सेव एंड नेक्स्ट पे मैं करूंगा तो वो कह रहे हैं कि नो फाइल चूजन, आपने कोई फाइल चूज नहीं की। तो नेक्स्ट जो आपका पेज आएगा वो अंडरटेकिंग का, तो मैं डायरेक्टली उस पर चला जाता हूँ क्योंकि मैंने इसको वो नहीं करना, मेरा तो है नहीं है ना, मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अंडरटेकिंग है। सो इसके बाद यहाँ पर हम आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे कि जितनी भी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन पुटअप की हैं वो सब की सब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और मुकम्मल हैं और मेरे डिग्रीज और मार्कशीट्स के एन मुताबिक हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। आप सबमिट में देखें मेरा इनेबल नहीं आ रहा क्योंकि प्लीज़ कंप्लीट योर डिटेल्स, ये ऊपर ये कह लें कि एरर आ रहा है, प्लीज़ कंप्लीट योर डिटेल्स, इसलिए कि मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आप मेरा जो है वो पासपोर्ट साइज पिक्चर और साथ में मेरी जो चलान फॉर्म स्कैन कॉपी है वो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि मैंने इसको नहीं करना सबमिट, तो इस वजह से मैंने नहीं की, तो यहाँ पर ये इनेबल नहीं आ रहा। तो जैसे आप करेंगे अपलोड तो उसके बाद आपके जो है ये आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन जो है वो इनेबल होगा, तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद एक ही कंप्लीट पेज आपके सामने ओपन होगा जिस पे आपकी पिक्चर होगी और साथ में जितनी इन्फॉर्मेशन आपने इस फॉर्म में पुटअप की है वो सब की सब इन्फॉर्मेशन वहां पर मेंशन होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, ठीक है। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर उसको जैसे ही आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्टली FGEI की इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, तो यहां से आप इजीली इसको आगे फर्दर जो है वो ओपन कर लेंगे। और किसी किस्म का भी इस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, और साथ में मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मजीद कोई कुछ पूछना चाहें देन आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।